कहते हैं ना, प्यार जाति धर्म और सीमा इस सब बंधनों से ऊपर होता है। तभी तो जर्मनी की युवती उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के युवक की दुल्हन बनी है। विदेशी लड़की की भारतीय जमीन पर शादी देख हर कोई प्रश्न हो उठा। वहीं गाजियाबाद निवासी श्रेष्ठ उर्फ सन्नी जर्मनी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गया था, साथ ही वहां एक कंपनी में जॉब करने लगा। उसी दौरान उसकी मुलाकात जर्मनी निवासी जैन फिर से हुई। जॉब करते करते दोनों में गहरी दोस्ती के साथ प्यार हुआ। अब दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं। शादी के लिए दोनों का परिवार राजस्थान के भरतपुर शहर में पहुंचकर एक निजी होटल में हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी संपन्न हुई है। वहीं जर्मनी से आए विदेशी मेहमानों ने देसी भोजन का लुप्त उठाने के साथ साथ देसी गानों पर जमकर ठुमके लगाए। हाँ जी, मैं जर्मनी की हूँ और मैं इंडिया का हूँ। मैं वहाँ पढ़ने गया था अपनी मास्टर्स करने, तो थोड़ा नौकरी वॉकरी रखने के बाद जब वहाँ थोड़ा सा रहने लग गए तो एक जगह हम मिले, तो साढ़े तीन साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और वहीं से प्यार हुआ। और फिर शादी के लिए पूछा तो हाँ हुई, तो उसके बाद ये सब ऑर्गेनाइज हुआ कि हाँ चलो शादी करते हैं। और इंडिया में रीति रिवाज से मेरा नाम श्रेष्ठ है और मेरी होने वाली वाइफ का नाम है जेनिफर, और मैं वहाँ सोलर इंडस्ट्री में काम करता हूँ। मशीन बेचते हैं लोगों को सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए। जगह देखी बहुत सारी, ये सूर्य विलास हमें काफ़ी पसंद आया और यहाँ पर सब एक जगह रह के जो एक साथ एंजॉय कर सके, इसलिए हमने ये सूर्य विलास चूज़ करा। सर, फैमिली के बारे में थोड़ा बताएंगे, पापा आपके क्या करते हैं? पापा रिटायर्ड हैं, मम्मी भी मतलब 60 से ऊपर हैं, तो सब घर पर ही हैं। तो हम गाज़ियाबाद के रहने वाले, यूपी के रहने वाले। सर, हिंदू रीति रिवाज से जब आप शादी करें तो उनको कन्विंस करने में कोई दिक्कत? नहीं, कोई कन्विंस नहीं, सब ओपन है। क्योंकि मेरी भी जो उनको चाहिए था वो सब का मतलब जो उन्हें चाहिए था हमने वो एक्सेप्ट करा, जो हमें चाहिए था वो उन्होंने, तो मतलब एक तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी चीज़ से, सब